हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है यह वीडियो सिर्फ क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट के लिए है। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें कि जो उनका 40 से 50 दिन में बोर्ड एग्जाम होने वाला है वह उसमें 90+ अंक हासिल कर पाए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में पूरा स्ट्रेटजी आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको सब्जेक्ट को पढ़ना है, किस तरह से आपको टाइम टेबल को बनाना है कि 40 से 50 दिन में आप तैयारी करके बोर्ड एग्जाम में 90+ अंक हासिल कर पाए। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को शुरू से लास्ट देखिएगा, तभी आपको पूरा अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि जो क्लास ट्वेल्थ के स्टूडेंट हैं वह बोर्ड परीक्षा की तैयारी कैसे करें कि जो उनका 40 से 50 दिनों के बाद बोर्ड एग्जाम होने वाला है वह उसमें 90% से भी ज्यादा अंक ला पाए। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहला जो काम आपको करना है वह यह करना है कि टेंशन नहीं लेना है। जी हाँ दोस्तों, आपको टेंशन नहीं लेना है। बहुत सारे स्टूडेंट जो है वह टेंशन ले लेते हैं कि अभी तक हमने जो है कि कुछ भी नहीं पढ़ा है और हमारा जो है कि 40 से 50 दिनों के बाद पेपर है तो हम कैसे इसको तैयार करेंगे। वह बहुत ज्यादा जो है कि सोचने लग जाते हैं और वह डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो जिससे क्या होता है कि उनका जो 40 से 50 दिन अभी बचा हुआ है वह भी उनका बेकार हो जाता है, उसमें भी वह कुछ पढ़ नहीं पाते हैं और जब बोर्ड एग्जाम उनका होता है तो उसमें वह फेल हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे पहला काम यही करना है कि आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। अभी आपके पास 40 से 50 दिन है, इसमें आप एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं और बोर्ड एग्जाम में 90% से भी ज्यादा अंक आप ला सकते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आपके जो सब्जेक्ट होते हैं वह 5 सब्जेक्ट होते हैं और जो है कि इसमें हिंदी होता है, अंग्रेजी होता है, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान या गणित होता है। तो फ्रेंड्स, यही 5 सब्जेक्ट आपके होते हैं तो इसमें आपको तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके पास अभी 40 से 50 दिन का समय बचा हुआ है और आपको क्या करना है कि डेली आपको 10 से 12 घंटे की पढ़ाई करनी है। आप या तो 10 घंटे पढ़ाई कर सकते हैं या 12 घंटे करिए आप पढ़ाई, क्योंकि अभी जो है कि आपके पास बहुत ज्यादा समय नहीं है। तो फिर 10-12 घंटे तो आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। तो देखिए, आप क्या करिए कि टाइम को सबसे ज्यादा आप बांट दीजिए। जैसे हिंदी जो है इसको आप 1 घंटे दे सकते हैं डेली और अंग्रेजी को भी आप 1 घंटे डेली दे सकते हैं। और यह जो आपके सब्जेक्ट हैं जैसे केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया और गणित हो गया, यह थोड़ा हार्ड सब्जेक्ट होते हैं, तो फ्रेंड्स इसको जो है कि आप 2-2 घंटे, 3-3 घंटे दे दीजिए। और जो यह हिंदी और अंग्रेजी है यह थोड़ा इजी होता है तो इसको आप जो है कि 1-1 घंटे डेली दीजिए। तो आपके पास 40 से 50 दिन का जो समय है, अगर आप रोज 10 घंटे भी देते हैं तो आपके पास 400 घंटे होते हैं। अगर 40 दिन हम माने तो आपके पास 400 घंटे हो गए। और अगर आप जो है कि 50 दिन तक अगर आपके पास समय है तो यह 500 घंटे हो गए। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप 12 घंटे देते हैं तो 12×48 480 घंटे आपके होते हैं या इसमें जो है कि आप तैयारी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, 480 घंटे बहुत होते हैं, आप इसमें एक अच्छी तैयारी कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है, आपको जो है कि पूरा फ्रेश माइंड रख करके तैयारी करनी है। आप यही काम करिए कि 1-1 घंटा अंग्रेजी और हिंदी को दे दीजिए और 2-2 घंटे आप इसको दे सकते हैं, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान को। और जो है कि 3 घंटे आप 3-4 घंटे मैथ को दे सकते हैं, क्योंकि मैथ के जो क्वेश्चंस होते हैं यह पूरा प्रैक्टिस पे होता है तो इसमें आपके थोड़ा ज्यादा समय लग सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप जो है कि टाइम को बांट लीजिए, उसके बाद जो है कि आप तैयारी करिए, तब जो है कि आप बोर्ड एग्जाम में एक अच्छा परसेंटेज ला सकते हैं। और फ्रेंड्स, कुछ चीजें आपको ध्यान देना है अगर आपको बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा बढ़िया परसेंटेज लाना है। तो फ्रेंड्स देखिए, सबसे पहले तो आपको यही करना है कि साइड बुक को
बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जो है कि साइड बुक प्रेफर करते हैं, लेकिन फ्रेंड्स आप जो है कि साइड बुक मत पढ़िएगा। जो आपके कॉलेज में बुक चलती है एनसीईआरटी की, आप उसी पे फोकस करिएगा और उसी को पढ़िएगा, क्योंकि फ्रेंड्स अब आपके पास इतना ज्यादा समय नहीं है कि आप साइड बुक को भी पढ़ पाए और जो एनसीईआरटी की बुक है उसको भी पढ़ पाए। तो आप जो है कि ज्यादा से प्रेफर करिएगा एनसीईआरटी बुक को, जो कि आपके कॉलेज में चलती है उसी को आप पढ़िएगा। और दूसरा जो चीज आपको करना है वह यह करना है कि शॉर्ट नोट्स, जी हाँ दोस्तों, जो भी चैप्टर आप पढ़ें उसका शॉर्ट नोट्स जरूर बना लें, क्योंकि जो शॉर्ट नोट्स होते हैं इससे आपको रिवीजन करने में काफी ज्यादा मदद मिलती है। जब आप बुक से रिवीजन करने जाते हैं तो उसमें आपका काफी ज्यादा टाइम लगता है और सब चीजें पढ़ भी नहीं पाते हैं, थोड़ा बहुत इधर उधर की छूट भी जाती हैं। तो आप क्या करिए कि जो भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं चैप्टर में से उसका शॉर्ट नोट्स बना लीजिए और जो है कि इससे आप रिविजन करिए, इससे आपको काफी ज्यादा मदद मिलेगी। और एक फायदा और है कि जब आपका एग्जाम रहेगा, आप जाएंगे वहां एग्जाम सेंटर पर, तो एग्जाम सेंटर पर जाने के बाद जब तक आप कमरे में नहीं जाते हैं उसके पहले जो आपके पास समय बचता है उसमें आप शॉर्ट नोट्स से पढ़ेंगे तो काफी कम समय में सब कुछ आप रिवीजन कर लेंगे। तो फ्रेंड्स आपको शॉर्ट नोट्स जरूर बना लेना है जो भी लेसन आप तैयार करें। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यह है फ्रेंड्स कि आपको रिवीजन डेली करना है। जी हाँ दोस्तों, आपको रिवीजन डेली करना है। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि वह पढ़ तो लेते हैं, सब कुछ चैप्टर भी तैयार कर लेते हैं, हर सब्जेक्ट तैयार कर लेते हैं, लेकिन वह रिवीजन नहीं करते हैं, जिससे कि क्या होता है कि उनको ऐसा लगता है कि हमारा तैयार हो गया है, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में वह लिखने बैठते हैं तो उनको वो चीजें याद ही नहीं आती। तो फ्रेंड्स इसलिए आपको रिवीजन डेली करना है, जिससे कि आपको कोई भी चीजें भूले ना और जो भी आपको याद हो वह पूरा आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से लिख पाएं। तो फ्रेंड्स आपको रिवीजन डेली करना है। आज आपने एक चैप्टर पढ़ा, कल दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो आज जो है कि पहले चैप्टर का आप रिवीजन कर लीजिए। और फ्रेंड्स सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वह है हैंड राइटिंग। जी हाँ दोस्तों, हैंड राइटिंग पर आपको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि हैंड राइटिंग अगर आपकी अच्छी नहीं रहेगी तब आपको अच्छा परसेंटेज नहीं मिल सकता, क्योंकि आप अगर सब कुछ सही सही लिखे भी रहेंगे और आपकी हैंड राइटिंग बेकार रहेगी तो एग्जामिनर जब आपकी कॉपी को ओपन करेगा तो वह देखेगा, अगर बेकार सेकार राइटिंग रहेगी तो उस पर जो इम्प्रेशन पड़ेगा वह बिल्कुल बेकार पड़ेगा और वह सोचेगा कि यह लड़का जो है कि कुछ नहीं लिखा है, बिल्कुल बेकार है, तो वह जो है कि आपको एक एवरेज मार्क दे करके आगे बढ़ जाएगा। तो हैंड राइटिंग पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। अभी आपके पास 40 से 50 दिनों का जो समय है इसमें आप अपने हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करिए। रोज एक घंटे दो घंटे आप जो है कि हैंड राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, जिससे कि आपके हैंड राइटिंग में सुधार आए और आप जो है कि एक अच्छी हैंड राइटिंग में अपनी बोर्ड एग्जाम की कॉपी को लिख पाएं। तो फ्रेंड देखिए, अगर आपके हैंड राइटिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है तो एक टिप्स है कि आप क्या करिएगा कि आप बोर्ड एग्जाम में जाइएगा और वहां पर जब आपको कॉपी मिलेगी तो आप क्या करिएगा कि उस पर आप एक दो तीन पेज जब शुरू के लिखिएगा तो वह काफी अच्छी राइटिंग में लिखेगा। जब मतलब आपको कॉपी मिल जाएगी तो दो तीन पेज आप काफी समय लीजिएगा उसमें और एक अच्छी राइटिंग में लिख करके, और आगे के पेज जो है कि आप एक अगर नॉर्मल राइटिंग में भी लिखते हैं तब आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स आप जो है कि पहले दूसरे तीसरे पेज को काफी अच्छे राइटिंग में लिखेगा, जिससे कि एग्जामिनर पर एक अच्छा प्रभाव पड़ सके। तो फ्रेंड्स अभी आपके पास 40 से 50 दिन हैं, तो इस बीच जो है कि आप अपनी हैंड राइटिंग को सुधार लीजिए, जिससे कि बोर्ड एग्जाम में आपको बहुत ही बढ़िया परसेंटेज मिल सके, आपका हैंड राइटिंग पर एक भी नंबर ना कटे। तो फ्रेंड्स यह सब स्ट्रेटजी आप फॉलो करिए। अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट हैं तो आपके बोर्ड एग्जाम में 90% आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो फ्रेंड चलिए इस वीडियो को स्टॉप करते हैं, मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँचे।